अगर आपने आईएलएस का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बेस्ट मटेरियल। बेस्ट मटेरियल आपको कहां पर मिलेगा? आज के टाइम में प्रॉब्लम यह है कि कोई बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड ही नहीं करवा रहा। अगर कोई करवा रहा है तो वो आपसे पैसे ही डिमांड कर रहा है। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको इस चैनल पर लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का, हर एक टाइप का मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जहां तक कि जो पंजाब में बड़े बड़े आईएलएस के इंस्टीट्यूट हैं, उन सब इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट आपको करना क्या होगा? कुछ नहीं करना है, बस एक चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हर एक टाइप का मटेरियल हम जो फ्री में प्रोवाइड करवा सकते हैं यूट्यूब पर ही। अब जी आपके ऊपर है कि आपने अपने पेरेंट्स के पैसे को बर्बाद करना है, बाय करनी है, मटेरियल बाय करना है, जहां पर जहां से वही मटेरियल आपको फ्री में चाहिए। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आईएलएस प्लाजा। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि आईएलएस प्लाजा आपको फ्री में आईएलएस का जो काफी अच्छा मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करवाता है, तो एक बच्चे ने मेरे साथ मटेरियल शेयर किया है तो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूं। काफी अच्छा मटेरियल है। सबसे पहले पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको उसको लेने के लिए क्या करना होगा। किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है फ्री में ही प्रोवाइड करवाऊंगा। इसमें आपको एग्री और डिसएग्री हर एक टाइप के जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, और आपने ऐसे स्ट्रक्चर पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। और इसमें आप देखो कि इन्होंने कैसे लिखा है, थीसिस स्टेटमेंट को कैसे लिखना है, इन्होंने सब कुछ अच्छे तरीके से आपको बताया है। और बॉडी वन, बॉडी टू, बॉडी थ्री, और कितने आपने पैराग्राफ लिखने हैं, कितने आपने बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं, ये सब कुछ भी इन्होंने जहां पर बताया है। स्ट्रॉन्गली सपोर्ट वन साइड, आपने एग्री और डिसएग्री में क्या करना है, एक साइड को सपोर्ट करना है, इन्होंने ये सब कुछ बताया है। और कुछ बच्चे तो एग्जाम में ये गलती कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज में क्या हमें पॉजिटिव लिखना है या हमें डिसएडवांटेज लिखनी है, या हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखनी है। और ये जो कन्फ्यूजन है वो आपकी सॉल्व होगी इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद। गिव पीपल्स व्यू इन बॉडी थ्री, ठीक है। तो ऐसे आपने पूरा अच्छे तरीके से इस जो नोट्स लिखे हुए हैं ना, इसको ध्यान से पढ़ लेना, जहां पर ही सब कुछ लुका हुआ है। आगे चलते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री का आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। और जो नीचे चलते हैं, सपोर्ट मेन आइडिया टू अ लार्ज एक्सटेंट, बॉडी वन एंड बॉडी टू राइटर ओपिनियन 80%, बॉडी थ्री राइटर साइड 20%, नेवर इंक्लूड एनी एग्जाम्पल, इट विल मेक यूर पॉइंट टू स्ट्रॉन्ग एंड यू मे लूज मार्क्स इन TRNCC। ये आपको अच्छे तरीके से टिप्स बताई गई हैं कि आपने कैसे लिखना है। आगे चलते हैं, डिस्कस बोथ व्यूज का मिल जाएगा। और इसमें आपने क्या करना है, डू नॉट गिव योर ओपिनियन, आपने इंट्रोडक्शन में अपना ओपिनियन नहीं देना। बॉडी वन में आपने एक व्यू पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, बॉडी सेकंड में आपने सेकंड को करना है, ठीक है। गिव योर ओपिनियन इन जो कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आगे चलते हैं, डू द एडवांटेज आउटवे द डिसएडवांटेज। इसमें काफी तक कंफ्यूजन आती है, ये भी देख लेते हैं, ये क्या कहते हैं। यू कैन इधर फोर बॉडी पैराग्राफ, आप चार भी लिख सकते हैं, पांच भी लिख सकते हैं, वो दोनों ही वैलिड है। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड फॉर 5 बॉडी पैराग्राफ। हाँ जी, 5 तो आपके, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 5 ही लिखने चाहिए, क्योंकि 5 ही बेटर होता है एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज वाले में। नीचे चलते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दे थोड़ी सी डिफरेंट टाइप आ जाती है, आपको पता ही है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डू नॉट मेंशन द राइटर्स ओपिनियन इन इंट्रोडक्शन, ठीक है। राइटर का ओपिनियन आपने इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना। बॉडी वन में आपने एडवांटेज लिख देनी है, बॉडी सेकंड में, बॉडी टू में आपने डिसएडवांटेज लिख देनी है, ये तो सिंपल सा है। काउज एंड सोल्यूशन, इसमें आपने क्या करना है, मोर फोकस ऑन कंक्लूजन स्पेशली द टू सोल्यूशन साइड, ठीक है। बॉडी वन में आपने काउजेस लिख देने हैं, बॉडी सेकंड में आपने सोल्यूशन लिख देना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन बॉडी टू वी कैन गिव सोल्यूशन एज ए गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शंस। हाँ जी, हम देख कर सकते हैं। नो राइटर्स ओपिनियन इन इंट्रोडक्शन एज वेल एज इन कंक्लूजन, राइटर का ओपिनियन होना नहीं चाहिए, आपका ओपिनियन ना ही इंट्रोडक्शन में होना चाहिए और ना ही कंक्लूजन में, ठीक है। आगे आ जाएगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, और काफी टाइम लग जाएगा अगर मैं आपको जो एक एक करके बताने लगा, तो आप इसको देख लेना। इसका जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अपलोड होने के पहले। आगे इस पीडीएफ में ये चीज भी काफी अच्छी है, इन्होंने बताया गया लॉजिकल स्टार्टिंग ऑफ एन एसे इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन दिस डेज इन द रिसेंट टाइम्स। आगे चलते हैं, तो आगे आपने कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अपने न्यू पॉइंट को ऐड करना है, कैसे अपने कॉन्ट्राडिक्ट जो कॉन्ट्राडिक्ट करना है वो भी आपको बताया गया कि आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है। रिजल्ट के लिए आप क्या चूज कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन को उससे पहले आप क्या चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पर जाओ, जो चैनल का लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, कई बार लिंक वर्क नहीं करता, तो आपने सिंपल आईएलएस प्लाजा सर्च कर लेना है और आपको जो चैनल है वो मिल जाएगा। वीडियो की अपलोड होने के पहले जे पीडीएफ वहां पर अपलोड होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ऐसे अपना प्यार अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल के साथ बनाए रखिए। आगे चलकर
इससे भी ज्यादा अच्छा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, इस बात का प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन।